काम फलकार को करना चाहिए वो एक पास्ता ने किया है। गोबर के हैं, इनमें ऐसे बीज हैं, पहली बार देखेंगे जी, ऐसे बीज हैं ये उसमें काम आते हैं। किसमें? दीपदान के लिए। झमेड़ा से ही ये गाय के गोबर से बने हुए दीपक आते हैं, और वहीं से जो गाय का घी आता है उसी से यहाँ पे यमुना आरती होती है। जब तक जमुना जी को नहीं मनाया जाएगा जी, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जी। ब्रज को बचाने में, ब्रज के में जो संत थे जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे मूर्धन जो संत आए उन्होंने ब्रज को बचाया। उन्होंने तो हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया जी। जन्म स्थान का जो मस्जिद है उन्होंने तोड़ी जी, गोविंद जी की, दिल्ली से दीपक जलता था जी, और दिल्ली से दीखता था। घर की तरफ गोकुल है जी, जी। इधर की तरफ वृंदावन है। ठाकुर जी जब कंस को मारने के लिए आए वृंदावन, अखरूर जी लेके आए जी, तो ठाकुर जी इसी मार्ग से आए। इसी मार्ग में बड़े बड़े सघन वन हुआ करते थे। कंस किला इसका उदाहरण है कि ये स्थान वही है, क्योंकि 5000 साल के अपने हैं मगर उजड़ गए। उन्हें इन वन उपवनों को संरक्षण करने के लिए यमुना मिशन संस्था है, जिसके फाउंडेशन है मिस्टर प्रदीप बंफल जी। उन्होंने यहाँ से लेके अखरूर घाट तक ऐसे अष्टपखी वन, यमुना वन, उपवन, ऐसे करके प्राचीन पौराणिक जो नाम है उनके स्वरूप पर फिर पुनः का पजन किया है, पुनः उदय किया है। जो संस्था एक रुपया किसी का चंदा नहीं लेती है, किसी का दान नहीं लेती है, उन्होंने किया है। यमुना जी की भक्ति की अव्वल निर्मलता के लिए नालों का मुख मोड़ा है, नालों को बंद किया है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो एक संस्था ने किया है। जगह जगह आरती हो रही है, यहाँ शाम सुबह और शाम गौ घाट पर भी आरती होती है, तो वो आरती अद्भुत होती है। आप भी शाम को 7 बजे आइए, देखिए आरती का भी अपने उसमें डालिएगा। तो जी जी बताइए, मथुरा का जो पौराणिक स्वरूप है यमुना मिशन संस्था को, जो देश के मूर्धन संत हैं, काशनी गुरु फलानंद जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर रायनदास जी महाराज, गीता मनीषी जी, ज्ञानानंद जी महाराज और सियाराम बाबा महाराज, पथमेड़ा के अद्भुत गौ भक्त संत हैं दत्त फर्णानंद जी महाराज, पथमेड़ा राजस्थान में है, उनको ब्रज पे और जमुना जी से बहुत लगाव है। जमुना जी के लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित हैं। ब्रजवासियों को हमेशा कहते हैं यमुना शुद्ध होगी तो जीवन बचेगा, पर्यावरण वृक्ष लगेंगे यमुना के पुलीन पर, यमुना के तट पर, तो ब्रजवासियों का जीवन सुखी में होगा, स्वस्थ रहेगा, तो समृद्ध रहेगा। आपके पीछे कुछ हम आरती से जुड़ी हुई सामग्रियां देख रहे हैं जी, तो ये यहाँ जो यमुना आरती होती है उसी से जुड़ी हुई सामग्री जी जी। अभी ये आरती की तैयारियां चल रही हैं, शाम को 7 बजे शाम को दिवस जो है तो आरती होती है यमुना जी। हाँ, मैं करता हूँ आरती, मैं स्वयं आरती करता हूँ, और यहाँ तैयारी करते हैं हम, दिन भर लोग तैयारी करते हैं, अपने हाथों से तैयार चंदन घिसते हैं, माला बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं, अमनिया करते हैं, इनको पाप करते हैं, उसके बाद शाम को यमुनाष्टक का पाठ होता है, प्रार्थना होती है, यमुना जी का स्तुति होती है और यमुना जी की आरती होती है। जैसे कंस का जो किला है वो 5000 साल पहले से ही पुराना किला है, अब तो यहाँ पर सिर्फ उस कंस किले के अवशेष ही शेष बचे हुए हैं, तो लगभग कितना देख सकते हैं, कितना अवशेष अभी बचे हुए कंस किले के? ऐसा है, कंस का इसका जीर्णोद्धार कई बार हो गया जी। एक बार राजा जयसिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद ये अभी 25-30 साल पहले जब अटल जी की सरकार थी तो एक राज्यसभा सांसद हुआ करते थे दीनानाथ मिश्र जी, इसके ऊपर के ये बड़े बड़े तोड़े आपको दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े तोड़े दिख रहे हैं, ये बड़ा विशाल तोड़ा दिख रहा है, ऐसे ही तोड़े लग रहे थे यहाँ, तो वो गिरने लग गए थे। तो हम ही लोग यहाँ के स्थानीय लोग, एक कृष्ण मुरारी पाठक जी हुआ करते थे और हम 4-5 लोग उनसे मिले दीनानाथ मिश्र जी से, जो यहाँ के सांसद थे, नहीं यहाँ के नहीं थे, राज्यसभा के सांसद थे, ग्वालियर से वो हुआ करते थे, अटल जी की सरकार थी, मिले उन्होंने उनको, वो यहाँ रुके हैं एक दिन। अच्छा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है जी, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यालय हुआ करता था यहाँ, अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी और बहुत बड़े बड़े जो लीडर हुआ करते थे संघ में जुड़े, वो आते थे, रुकते थे, प्रवास करते थे।
राज्य का सांसद दीनानाथ मिश्र जी वो भी रुके हैं, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से अवगत थे। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिया इसके लिए। इसका ये जीर्णोद्धार जो हुआ वो दीनानाथ जी की निधि से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमें किस ओर जाना पड़ेगा? लाला मैं खुल रही हूँ, देख कोई है खुलो। ये यहाँ पर बहुत सारे जैसे छोटे छोटे दीपक हम देख रहे हैं, तो कितने दीपक हैं संख्या में अगर हम बात करें तो? 100-125 की संख्या में जी दीपक हैं, जो श्रद्धालु आया यमुना जी के लिए आते हैं जी। बड़ी आरती तो नित्य होती है जी। मैं शैलेंद्र शर्मा जी, गाँव घाट यमुना मिशन आरती मुखिया हूँ जी। यमुना मिशन के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में आरती होती है जी। श्रद्धालुओं के लिए है ये छोटे। अच्छा, ये छोटे वाले जो है श्रद्धालु आते हैं और आरती में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं। ये दीपक हैं जी, ये आरती हैं, ये श्रद्धालु हैं। मुख्य जब अस्थी आती है, कुछ बाहर के लोग आते हैं जी, उनके लिए हैं ये व्यवस्था करती है। ये छोटी आरती है, ये कान्हा जी का, यमुना जी का। अच्छा, ये यमुना जी हैं जी। ये महाप्रभु जी हैं, इधर महाप्रभु जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, ये यमुना जी हैं जी। चंदन सेवा होती है, ये बत्ती बनती है, बत्तियां बनती हैं, रखी हैं चंदन के साथ। वो दीपक लाओ। हाँ, ये देखिए, ये अद्भुत दीपक, दीपक लाओ दिखाइए। ये दीपक, ये कच्ची मिट्टी से बनाए गए दीपक, गोबर, ये गोबर के हैं जी, गोबर के, गोबर के हैं। इनमें ऐसे बीज हैं, आप पहली बार देखेंगे जी, ऐसे बीज हैं, ये उसमें काम आते हैं। किसमें? दीप दान के लिए जी। इसको स्पर्श कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये देख देख सकते हैं कि ये काफी हल्के होते हैं, डूबते नहीं होंगे पानी में, और ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। तो ये भी एक अलौकिक, एक अद्भुत चीज कही जा सकती है यमुना तट पर, जो यहीं पे देखेंगे पहली बार। इसके अतिरिक्त जो है तो ये नहीं उपयोग होते कह सकते हैं? नहीं, यहाँ मतलब वो फिर मिट्टी वाले जो पकाए जाते हैं जी, वो होते हैं ज्यादा। अच्छा, तो इनका निर्माण आप लोग के द्वारा ही किया जाता है? पथमेड़ा से आते हैं ये। अच्छा, पथमेड़ा गौशाला दत्त परम पूज्य जी हैं जी, गौ भक्त श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जी की गौशाला से आते हैं जी। ये आप दत्त शरणानंद जी महाराज के दिखाने में घर पे या कैसे भी काफी बढ़िया लगे। जो गौ घी जी आता है जी, पथमेड़ा का गौ घी आता है जी, उसी की आरती होती है। अच्छा, यहाँ मतलब यहाँ की जो एक रीति है, एक रिवाज है, एक संस्कृत है, पथमेड़ा से ही ये गौ गाय के गोबर से बने हुए दीपक आते हैं। हाँ, और वहीं से जो गाय का घी आता है उसी से यहाँ पे यमुना आरती होती है। ये लगभग कितने वर्षों से चल रही परंपरा है? चल रही है, चलती आ रही है। बीच बीच में कुछ ऐसे भिन्न आए तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, और मगर निरंतर चल रही है। हाँ, श्री कृष्ण की लीला है और अनवरत लीला अवतारी जो तो यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। अच्छा, हाँ जी। जब तक यमुना जी को नहीं मनाया जाएगा जी, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जी। जब सुबह प्रातः यमुना जी जग जाती हैं, जब द्वारकाधीश मंदिर की मंगला आरती होती है, यमुना जी की मंगला हो जाती है जी, और शाम को यमुना जी द्वारकानाथ की मंगला पहल हो जाती है, जब यमुना जी की संध्या आरती होती है जी। भाई चतुर्थ पटरानी है ना जी, तो जब पहले वो जगेंगी, जब ठाकुर जी जगेंगे बिल्कुल, और जब वो हो जाएंगे, जब वो होएंगी। ये बहुत अद्भुत बात बताई आपने जो तो। ऐसा वृक्ष का भाव है जी, और इस भाव को मानते हैं सब लोग। यमुना जी सर्व सिद्धि मतलब सर्व कल्याण करने वाली है, यमराज की बहन है, पति की बहन है, पूर्व की पुत्री है जी। और यमराज से कौन नहीं डरता है? बिल्कुल, फनी से कौन नहीं डरता है जी। तो उनने वरदान है कि जो यमुना जी का ध्यान करेगा, जो यमुना जी का पान करेगा, उसको यम की फांस से, फांस मतलब यम के प्रकोप से, प्रकोप से बचाना, कुछ नहीं होगा जी। तो ऐसा यमुना जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने यमुनाष्टक में भी कहा है जी। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विद्वान संत हुए, जिन्हें श्रीनाथ जी को प्रकट किया जी। ब्रज को बचाने में, ब्रज के में जो संत थे जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे मूर्धन जो संत आए, उन्होंने ब्रज को बचाया जी। बिल्कुल, सनातन धर्म को बचाया जी।
अन्यथा विलुप्त तो हो गया था जी। सब जगह मुस्लिमों बौद्धों का माहौल था जी। मथुरा में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध जम कहलाता है जी। मगर आज वो लहर है और आज भी मथुरा कृष्णमय है। यहाँ की रग रग में, यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण निवास रहते हैं। आकांताओं ने तो हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया जी। यहाँ पर जो जन्म स्थान है श्री कृष्ण जी का, उसके बगल में भी मस्जिद बनी हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आक्रांताओं ने ब्रज के मंदिरों को भी तोड़ा और लूटा जी। और तोड़ा और लूटा, जो कुछ बचा अब फिर बचे वो आपके सामने है। जन्म स्थान का जो मस्जिद है और जी। तोड़ी जी, गोविंद जी की दिल्ली से दीपक जलता था जी। और दिल्ली से दीखता था, तो ये भाव है जी। सब समय समय की बात है, की बात है। लेकिन कृष्ण लीलावधारी हैं और उनकी लीलाएं तो उनका प्रेम रज को भी माथे पे भगवान ने लगाया जी। जो रज में देव है दुनिया में कहीं नहीं है। जमुना जी और गिरिराज जी दो साक्षात देवताएं जो दीखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।